आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर कि सुरतियां पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, पेंशन सिस्टम में बदलाव का हुआ ऐलान। देखिए पूरी खबर। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के रांची के रेडियम रोड स्थित आवास पर 9वें दिन भी आईटी आयकर विभाग की छापेमारी, आईटी रेड जारी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सीएम मोहन यादव सुपर एक्टिव हो गए हैं। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला आदेश दे दिया है। पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, पेंशन सिस्टम में बदलाव का हुआ ऐलान। देखिए पूरी खबर। देश भर में पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अंतरिम बजट में नए पेंशन सिस्टम में बदलाव की संभावना है, जिसका ऐलान 1 फरवरी को हो सकता है। ये बदलाव वेतन के लगभग 45-85% तक की पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है। देश भर में पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अंतरिम बजट में नए पेंशन सिस्टम में बदलाव की संभावना है, जिसका ऐलान 1 फरवरी को हो सकता है। ये बदलाव वेतन के लगभग 45-50% तक की पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है। कमेटी की रिपोर्ट, नए पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही आ सकती है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार वेतन के आधार पर पेंशन और वायबिलिटी गैप फंडिंग की गारंटी दे सकती है। विशेष बिंदुओं पर जोर रिपोर्ट में जीवन जीने की लागत को अनुकूलित करने और सरकार पर आर्थिक दबाव न डालने के बारे में भी जोर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि पेंशन धारकों को लंबा इंतजार न करना पड़े और नए पेंशन सिस्टम में सुधार के लिए त्वरित कदम उठाए जा सकें। पेंशन सिस्टम में बदलाव यह पेंशन सिस्टम में बदलाव के लिए कदम हो सकता है, जो कि पेंशन धारकों के लिए सुधार और सुरक्षा का स्रोत बन सकता है। इस बदलाव का अंतिम रूप जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में देखा जा सकता है। इस समय सरकार ने NPS नेशनल पेंशन सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सुरक्षित भविष्य का सही और उचित तरीके से आवंटन किया जा सके। मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला आदेश दे दिया है। इस आदेश के तहत राज्य में लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। साथ ही अगर वे तय डेसिबल से अधिक आवाज आएंगे तो इसे बैन किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य आदेश भी दिए हैं। इनमें खुले में मांस बेचने को लेकर गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन, हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाने के फैसले के साथ अपराधियों पर शिकंजा कसे जाने के भी आदेश दिए हैं। सीएम ने संभाला कार्यभार। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बुधवार को मध्य प्रदेश में कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक की, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें फैसला लिया गया है कि हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। नियमों के खिलाफ खुले में चल रहे मांस या अंडे की दुकानों पर सख्ती की जाएगी। कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए। खुले में मांस बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का KDDI से पालन करवाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया है। हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, कुल 52 कॉलेज खोले जाएंगे। आदतन अपराधियों के लिए गृह मंत्रालय को कहा है कि जरूरत पड़ने पर उनकी जमानत निरस्त करना शुरू करें। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या की ओर जाने वाले मार्ग पर सरकार की तरफ से जगह जगह राम भक्तों का स्वागत किया जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर AT के न्यूज चैनल पर। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।